हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल वेक अप एंड मेकअप। आज मैं लाई हूँ एक नई टॉपिक। हमने देखे तो समझ आ गई होगी कि ये वीडियो आज किस टॉपिक में होने वाली है। एंड अगर आप ये चैनल पर नए हैं, ये वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको स्वागत है इस चैनल पर। प्लीज ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज का लुक है नो मेकअप मेकअप लुक ऑन एक्ने प्रोन स्किन। एंड आई नो गाइस, यहाँ पे काफी लोग हैं जिनको एक्ने स्किन पे मेकअप करना डिफिकल्ट होता है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मुझे भी 5-6 पिंपल हो रखी है। ऑब्वियसली नो वन लव पिंपल एंड ऑफ कोर्स मी टू, बट अब क्या कर सकते, ये भी तो एक स्किन का पार्ट है, इसे कभी आना है तो कभी जाना है। बट ये जब आपके पास आए तो इसे कैसे छुपाना है, आज मैं यही बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए अब ज्यादा बकबक नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। Without any makeup and you can see यहाँ पे मेरे दोनों गालों में काफी ज्यादा acne हो रखी है and I just hate it a lot. But इसे कैसे deal करना है, कैसे इसे avoid करना है, कैसे इसे hide करना है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज करती हूँ मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो या let's get started. तो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ टोनर। मेक श्योर जब भी आपको एक्ने हो रखा है ना, तो टोनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये जो एक्ने हुआ है ना, वो जो आपका ओपन पोर्स है उसके थ्रू निकला है, वहां पे आपका निकला है। टोनर क्या करता है, वो जो ओपन पोर्स हो रखी है उसको मिनिमाइज करता है, उसको बैलेंस करता है, सो दैट और भी ज्यादा एक्ने ना निकले। एंड टोनर विच आई लव यूजिंग इट ऑन एक्ने प्रोन स्किन एंड ऑल्सो ऑयली स्किन में भी आप यूज कर सकते हो, फ्रॉम TNW द नेचुरल वॉश का क्यूकम्बर टोनर है। आई एम गोना पुट 5-6 पंप ऑल ओवर माय फेस, नेचुरली ड्राई होने दूंगी। अभी कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसे नेचुरली ड्राई होने देना है। तो टोनर मेरा कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, नाउ लेट्स गेट इनटू द सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में आपको यूज करना है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर जब भी आप यूज करोगे, मेक श्योर बहुत ज्यादा हार्ड मॉइस्चराइजर मत यूज करना, ऑलवेज मेक श्योर यूज अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, यानी कि जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर आपको यूज करना है। एंड द मॉइस्चराइजर दैट आई लव यूजिंग इट ड्यूरिंग माई एक्ने, तो मैं यूज करती हूँ रिकोट का। दिस इज अ वाटर क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी ज्यादा अच्छा है। यू कैन सी द टेक्सचर, ये काफी ज्यादा यू नो लाइट है एंड आई लव इट सो मच। अच्छे से मॉइस्चराइज करूंगी, बिकॉज मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग अगर आपको पिंपल हो रखी है तो। तो मॉइस्चराइजर मेरे फेस पे अच्छी तरीके से ब्लॉक कर लिया है। नाउ द थर्ड प्रोडक्ट व्हिच आई एम गोइंग टू यूज फॉर मोर हाइड्रेशन इज अ फेस सीरम बाय निया ब्यूटी एंड दिस इज अ कैवियर सीरम व्हिच वर्क अमेजिंगली ऑन एवरी स्किन टाइप। अगर आपको हाइड्रेशन चाहिए, मोर ग्लो चाहिए, ड्यू फिनिश लुक चाहिए, देन डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो। आपको जस्ट थोड़ा सा लगाना है ऑल ओवर योर फेस एंड देन इससे आपको फेस पे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। तो मेरी फेस को काफी ज्यादा हाइड्रेशन मिल गई है एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू मेकअप। सो सबसे पहले यू नीड टू अप्लाई अ प्राइमर एंड मेक श्योर प्राइमर स्किप नहीं करना है। अगर आपका एक्ने है देन डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसको मिनिमाइज करता है, उसको बैलेंस करता है, मैटिफाइंग करता है। सो द प्राइमर विच आई एम गोइंग टू यूज इज फ्रॉम रिकोट एस ऑफ बेस। तो प्राइमर लगाना कंप्लीट हुआ एंड नाउ इट्स टाइम टू पुट मेकअप। तो सबसे पहले मेक श्योर आपको डायरेक्टली फाउंडेशन नहीं लगाना है या डायरेक्टली कुछ अलग शेड नहीं लगाना है, आपको लगाना है 1-2 शेड डार्कर कंसीलर, मैक्सिमम 2 शेड डार्कर कंसीलर आपको लेना है एंड उससे आपको अपने सारे एक्ने को हाइड करना है। नाउ यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट लेते हैं उसे डायरेक्टली जल्दी 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 लगा के उसे हाइड करते हैं, वैसे नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अलग टेक्निक में बताने वाली हूँ, तो आप उसको अच्छा से देखना। यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज दिस शुगर कंसीलर, दिस इज 2 शेड डार्कर कंसीलर देन माई स्किन टोन, द शेड नंबर इज 48 इरिश। ये शेड मैं अभी लगाने वाली हूँ अपने सारे अनइवन एरिया। मैं यहाँ पे एक प्रिसाइज ब्रश यूज कर रही हूँ, ये काफी ज्यादा पतला ब्रश है, तो अगर आपके पास ऐसा पतला ब्रश नहीं है तो आप अपना फिंगर टिप का भी यूज कर सकते हो, बट आई प्रेफर दिस। मैं अभी यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, ये मैंने लिया प्रोडक्ट को, यू कैन सी ये 2 शेड डार्कर है एंड आई एम अप्लाइंग ऑन माई पिम्पल, जहाँ पे भी मुझे रेड पिम्पल है ना एक्टिव एक्ने, वहां पे मैं लगाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू पुट ऑल ओवर माई फेस, अगर मैं पूरे फेस पे लगाऊ ना तो मेरी स्किन जो है वो और ज्यादा डार्क दिखेगी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वहां लगाना है जहां पे मेरी प्रॉब्लम एरिया है।
यू कैन सी मैं किस तरीके से हाइड कर रही हूँ उसे. नाउ दिस साइड प्रोडक्ट लेना है एंड उसे पिंपल के ऊपर डैप करना है. मेरी थोड़ी सी डार्क सर्कल है तो मैं डार्क सर्कल में भी ये दो शेड डार्कर कंसीलर अप्लाई करूंगी, जस्ट हल्का सा, ज्यादा नहीं. अब मुझे ब्लेंड करना है, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी ब्यूटी ब्लेंडर और एनी ब्रश. आई एम जस्ट गोइंग टू यूज माई फिंगर टिप एंड जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट. एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको एक्ने बहुत ज्यादा होती है तो मेक श्योर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, कंसीलर हो या फाउंडेशन हो, मेक श्योर आप उसको हाई कवरेज वाला ही लेना. सो दैट उससे क्या है कि बहुत ही अच्छा खासा आपको कवरेज मिलेगा. ना लिक्विड प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे तो जितना भी एक्ने को हाइड करोगे वो आपका हाइड नहीं होगा. तो मेक श्योर जो भी आप यूज कर रहे हो हाई कवरेज प्रोडक्ट यूज करना. एंड नाउ यू कैन सी माई फेस काफी ज्यादा मिनिमाइज हो गया है. जो भी मेरा एक्ने दिख रहा था, रेड रेड पिंपल दिख रहा था, वो काफी ज्यादा मिनिमाइज लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है. अब मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अनदर कंसीलर दैट इज फ्रॉम मास कॉस्मेटिक. द शेड नंबर इज 08 मीडियम बेज. ये मैं क्या करूंगी, जहां पे भी मैंने अपना दो शेड डार्क कंसीलर लगाया था अभी, उसके ऊपर मैं ये कंसीलर को अप्लाई करूंगी. ये जो कंसीलर का शेड है ना, ये एग्जैक्टली मेरे स्किन टोन का है, तो मैं इसको लगा रही हूँ अपने सारे प्रॉब्लम एरिया के ऊपर. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट. एंड एक काफी ज्यादा लाइट प्रेशर में आपको ब्लेंड करना है, बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर नहीं देना है. अगर आप बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर दोगे ना, तो जो भी आपने इतना मेहनत किया है, बेस बनाया है, वो हट जाएगा. That's it. Now I'm going to give you my close look and आप देखो कि मेरी जो पिंपल है, जो मेरी active पिंपल थी रेड कलर की, वो कितने अच्छे तरीके से मिनिमाइज हो गई है. Also I want to clear one thing guys, कि अगर आपको ऐसे पिंपल बम्स है, यानी कि आपकी जो स्किन है उससे बाहर निकली हुई है पिंपल, तो वो कभी भी हाइड नहीं होता है, वो दिखता है, that is very natural. बट अगर आपको रेडनेस है उसको आप कुछ इस तरीके से हाइड कर सकते हो, यानी काफी ज्यादा नेचुरल लगेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपका इतना पिंपल था अभी. नाउ आई एम गोइंग टू बैलेंस माई स्किन. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज अ वेरी वेरी लाइट प्रोडक्ट एंड एवरीवन फेवरेट प्रोडक्ट विच इज अ सीसी क्रीम बाय लैक्मे. द शेड नंबर इज आलमंड. मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ बिकॉज दिस इज माई पर्सनल. बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करने वाली हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी कंसीलर लगा लिया है, मैंने अपना पूरा जो प्रॉब्लम था उसको मैंने हाइड कर दिया है, सो आई डोंट नीड मच प्रोडक्ट नाउ. नाउ अगेन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस सीसी क्रीम. गाइज यू कैन सी माई फेस नाउ इज लुकिंग सो फ्लॉलेस, सो ड्यू. ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझे पिंपल था अभी. कैन यू सी द मैजिक. तो मेरा ब्लेंडिंग हो गया है कम्प्लीट. नाउ इट्स टाइम टू सेट योर मेकअप. फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस मैक स्टूडियो पिक्स कॉम्पैक्ट. ये थोड़ा महंगा जरूर है, अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद मेबेलिन कॉम्पैक्ट, विद नायका कॉम्पैक्ट, विद लैक्मे. ये भी तीनों कॉम्पैक्ट काफी ज्यादा अच्छा है, बट आई प्रिफर दिस कॉम्पैक्ट फर्स्ट क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा काम करता है ऑन एक्ने प्रोन स्किन. ये काफी ज्यादा ड्यू फिनिश लुक देगा बिकॉज इसमें पाउडर भी है प्लस फाउंडेशन भी है, तो ये मिनिमाइज भी बहुत अच्छा से करता है. तो मैं इसको अप्लाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ पाउडर ब्रश. प्रोडक्ट को लेना है, एक्स्ट्रा इसको डस्ट कर देना है एंड देन यू जस्ट नीड टू डैब इट. फेस में रब नहीं करना है क्योंकि आपने अपना एक्ने को छुपाया है, तो उसे वापस से बुलाना नहीं है. Now you can see the finishing guys. Now it's time to fill my brow. So for that I'm going to use this from NYX Cosmetics and the shade number is 07 Espresso. तो इसे मैं काफी ज्यादा natural way में लगाऊंगी. पहले मैंने हल्का हल्का अंदर में fill किया and then I'm just using this spoolie brush. You can see guys, now this side. That's it. You can see काफी ज्यादा natural लग रहा है मेरा brow. And now I'm going to put some kajal and some mascara. Kajal क्या करूंगी, अपने ऊपर वाले lid में लगाऊंगी, lower lash line या फिर eyeliner से तरह नहीं apply करूंगी because I want something की थोड़ा natural लगे. So I'm going to put this kajal on my upper lid. तो बहुत ही आराम से आपको करना है ये चीज. तो काजल जो मैंने लगाया इज फ्रॉम मेबेलिन, दिस इज द कोलोसल काजल. एंड नाउ इट्स टाइम टू पुट सम मस्कारा, इज अगेन फ्रॉम मास कॉस्मेटिक. यू कैन सी ये इंस्टेंटली कितना ज्यादा आपका आईज को लिफ्ट कर देता है, तो दिस मस्कारा इज वेरी वेरी गुड.
Now same with the lower lash line. So now it's time to put some blusher to look more cute, to look more natural. So for that I'm going to use my all time favorite blusher from Makeup Revolution. The shade number is Sugar and Spice. मैं ये दो shade को use करूँगी. मैंने product को लिया, इसको extra dust किया, बहुत ज़्यादा नहीं लगना है. And then just हल्का हल्का you need to dab it. एक natural सा sheen effect चाहिए मुझे. ये तो मैं इसे काफ़ी ज़्यादा कम use कर रही हूँ. So I'm just dabbing it all over my cheek, little bit on my nose. That's it. And now the last thing is to apply lipstick. So lipstick लगाने से पहले use करती हूँ lip balm. And this is from Nivea. And the shade number is Cherry. That's it. मैं lipstick ना भी लगाऊँ तो भी चलेगा, because I'm liking it this way only. मैं थोड़ा सा lipstick apply करूँगी. And the lipstick which I'm going to use is from Nykaa. The shade number is Naughty Nude. And मैं बहुत ज़्यादा apply नहीं करूँगी, का हल्का हल्का touch दूँगी अपने lip पे. That's it. ये रहा मेरा complete no makeup makeup look. And you can see मेरा जो face है काफी ज्यादा glowy, काफी ज्यादा dew लग रहा है. And ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा makeup लगाया है. कम product के साथ मैंने कितना अच्छा खासा finishing किया है. You can see मेरे जो acne marks है ना, वो भी काफी ज्यादा minimize हो गए हैं, वो दिख भी नहीं रहे हैं actually. And yeah, अगर आपको लगता है कि acne skin में आप makeup नहीं कर पाते हो, then definitely आप ये technique को जरूर जरूर try करना. And I'm sure ये technique बहुत ही अच्छी तरीके से work करेगा आप स्किन पे, इफ यू हैव सच प्रॉब्लम लाइक मी. यार दैट्स इट, ये था मेरा आज का टॉपिक, नो मेकअप मेकअप लुक ऑन एक्ने स्किन. एंड आई होप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे मेकअप करना है ऑन एक्ने स्किन, क्या प्रोडक्ट लगाना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या टेक्निक के साथ फॉलो करना है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू गाइस लव इट. प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको आज का टॉपिक. एंड ऑल्सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.